भुवनेश्वर तहसील के ग्रामीण अंचल पिपलिया खुर्द के निवासी प्रतीक परिहार का आईआईटी मद्रास में चयन होने पर प्रतीक का प्राथमिक शाला जोगीनाथपुरा के प्रधान पाठक ज्ञानचंद तटवारी के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अनेक लोग मौजूद थे। ग्राम सरपंच देवी सिंह सोलंकी एवं पिपलिया बुजुर्ग के पूर्व सरपंच इंदरमल जैन की अध्यक्षता में संकुल प्राचार्य बी के कुमरावत के मुख्य आतिथ्य में सम्मान समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर इंदरमल जैन ने कहा कि प्रतीक आगे के अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और जो सपने माता ने देखे हैं उसे पूरा करें। कार्यक्रम में प्राचार्य एस एस डावर, ए आर मंशारे, हिम्मत सिंह सिटोले, बी एस सी दीपक राठौर ने संबोधित कर बधाई दी। कार्यक्रम का संचालन कमल सिंह पवार ने किया। आभार मजर खान ने किया। इस अवसर पर दिनेश पटेल, ग्यारसी पटेल, मनीष तिवारी, दुर्गा शंकर जाट, ठाकुर वर्मा, राकेश कुशवाहा, अशोक कुमार शाह, कमल सिंह तंवर, धर्मिष्ठा वर्मा, दिलीप अत्रे, प्रकाश वासुरे, अरविंद जोशी, अमर सिंह यादव, अजय राठौर सहित स्टाफ उपस्थित थे। योगदान है कि ये इन्हीं के कारण इस प्रकार से हरा भरा दिख रहा है और इन्होंने बहुत सहयोग किया है। यहाँ पे बात करें हमारे स्टूडेंटों की, हमारे विद्यार्थियों की, एक बालक BHMS डॉक्टर बना यहीं से, और मैं सोचता हूं कि वो हमारे जो स्टेट लेवल की PSC की एग्ज़ाम होती है उससे भी थोड़ा सा ऊपर लेवल का होता है। तो इस प्रकार की परीक्षा भाई प्रतीक ने जो पास करी है उसको मेरी ओर से अनेक बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। So I talked this with my friends and colleagues and family members, but nothing happened. Then ultimately I talked this with Tatware sir, and he suggested me to come to this school. Then I decided to come to this school and studied here for few months. I used to come early in the morning at 6 o'clock and used to study the whole day, and then I used to go to home at 9 o'clock or sometimes 10 o'clock. I would like to thank my mother because she used to stay, she stayed with me until I used to study, and also would like to thank Jyoti Masi and her family because they supported me. And it is actually not possible for a normal being to stay in this forest like place till night, so thank you for that. And then I decided to shift to Srinagar colony. Mera naam Prateek hai, main yahan chote se gaon Pipla Khurd ka niwasi hu, और मैंने मेरी प्राथमिक शिक्षा जोगीनाथपुरा से की थी। पहले 3 वर्ष यानी पहली से तीसरी तक मैं जोगीनाथपुरा में पढ़ा हूँ। ये मेरी मम्मी, इनका नाम गायत्री है, और इन्होंने 14 वर्ष इसी स्कूल में जोगीनाथपुरा में काम किया था, रसोईया के पद पर थे। उसके बावजूद मुझे इतना काबिल बनाया और मेरी जो आगे की शिक्षा थी वो कवरथरा स्कूल में करवाई। वहाँ पर मैंने पढ़ाई की और 12th में मेरे 93% बने, और उसी के साथ मैंने JEE की तैयारी करते हुए IIT मद्रास मेरा चयन हुआ। सबसे पहले मार्गदर्शन की बात है तो जोगीनाथपुरा के जो प्रधान पाठक हैं ज्ञानचंद तटवारे सर, उन्होंने मुझे बहुत मदद की। उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिखाया IIT के बारे में, मुझे इतना पता नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे सब बताया कि कहां पर क्या होता है, और मेरी मम्मी का भी बहुत सपोर्ट था इस। हमारे यहाँ शासकीय प्राथमिक विद्यालय जोगीनाथपुरा में विगत 2-3 वर्ष से पहले भी एक बच्चे का, बबलू सिटोले, जो कि 2018 में उसका IIT मद्रास में चयन हुआ था, और भी बच्चों ने अच्छी अच्छी पोस्टों पे जा रहे हैं, और ये अभी प्रतीक जो है पहली से तीसरी तक हमारे यहाँ पढ़ा और इसने JEE की तैयारी की और अच्छे मार्क्स ला के इन्होंने भी वहाँ पे IIT मद्रास में इनका चयन हुआ। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे छोटे से गांव से ऐसे बच्चे जा रहे, निकल रहे हैं, और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि और भी बच्चों को अच्छी अच्छी जगह भेजें। आप क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस संबंध में? मैं क्षेत्र की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को बिल्कुल पढ़ाएं और उन पर ध्यान रखें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कौन से फील्ड में जाना चाहता है। खास करके पेरेंट्स उन पर ये ध्यान दें कि भाई जो बच्चा जो रुचि ले रहा है उसको उसी में बढ़ावा दे, क्योंकि हमारे जहाँ प्रतीक जो है इन्होंने कहा था कि मैं IIT करूँगा, तो हमने उसको बेसिक IIT के बारे में ही पूरी जानकारी दी और उसको आगे बढ़ाया। उसको इस क्षेत्र को, इस ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे बहुत ही पुअर कंडीशन में, बिलो ऐसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं, उस क्षेत्र से अगर कोई बच्चा इस टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट के लिए सिलेक्ट होता है, और एक नहीं दो बच्चे अगर इस तरह से सिलेक्ट हुए हैं, तो वास्तव में यह संस्था, यह क्षेत्र और यहाँ के जागरूक ग्रामीण कहो, शिक्षक कहो या पेरेंट्स कहो, ये सभी इस बधाई के हकदार हैं और पात्र हैं। वास्तव में इन बच्चों का
उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ और सभी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करें एवं बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करें एवं शिक्षा के महत्व के प्रति पालक और शिक्षक दोनों बच्चों को जागरूक करें। दोपहर न्यूज़ के लिए महेश्वर से अशोक कुमार शाह की रिपोर्ट।